नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर सर आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो हमारे टॉपिक पर है जो कि आप बहुत ज़्यादा कमेंट में पूछ रहे हैं, सर काउंसलिंग कहाँ होगी। तो दोस्तों आपको बता दें, काउंसलिंग के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है कि जीरो से लेकर हाई लेवल मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक की, इस वीडियो में हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करने हैं आपको, कौन से अरेंज करने हैं, इनके बारे में हम बता देते हैं आज आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि स्टेप वन मतलब प्रोसेस कैसे चलेगा। आपको एक टोकन जारी किया जाएगा जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक टोकन जारी किया जाएगा, उसके बाद स्टेप टू में हमने देखते हैं उम्मीदवार को परामर्श केंद्र में विभिन्न कॉलेजों के विवरण रखने की पुस्तिका के साथ फाइल कवर जारी किया जाएगा। उम्मीदवार के आकस्मिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्र मूल दस्तावेज सहित काउंसलिंग सेंटर पर सत्यापित किए जाएंगे। मीन्स आपको वेरिफिकेशन कराने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, जो परामर्श केंद्र बनाए जाएंगे वहाँ पर, और परामर्श केंद्र कौन से हिसाब से कैसे बनाए जाएंगे इनकी हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। मीन्स आपको कहाँ जाना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, परामर्श केंद्रों पर जाना है और वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं। मींस कैफे फेयर नहीं होंगे, ना ही ऑनलाइन होंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको परामर्श केंद्र जाना पड़ेगा। और ये परामर्श केंद्र क्या है हम आगे बात करेंगे। अगला बात कर लेते हैं कि ये परामर्श केंद्र के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होगी। तो ये इसमें दिया हुआ है द क्वालिफायर्स मतलब जिनकी रैंक आएगी, जो क्वालिफाई कर जाएंगे एग्जाम को 2019 विल बी अलॉटेड काउंसलिंग लेटर, मतलब उनको काउंसलिंग लेटर अलॉट किया जाएगा, दिया जाएगा। इट कंटेंट्स द डिटेल अबाउट द काउंसलिंग वेन्यू मतलब काउंसलिंग का स्थान इसमें लिखा होगा जो कि काउंसलिंग लेटर मिलेगा, टाइम भी लिखा होगा, डेट भी लिखा होगा, डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्स ETC मतलब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, इस दिन आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। द कैंडिडेट हैव टू डाउनलोड द UPBED काउंसलिंग कॉल लेटर 2019 एंड ब्रिंग अलॉन्ग विद द अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑन द डे ऑफ द काउंसलिंग मतलब काउंसलिंग के दिन आपको इस लेटर के साथ साथ आपको बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर जो भी जरूरत है उनको ले जाना है। अगले स्टेप में हम बात कर लेते हैं क्या है। अगले स्टेप में बताया हुआ है कि काउंसलिंग फीस, आपको जो बहुत ज़्यादा डाउट है कि सर इसका ड्राफ्ट बनेगा, ऑनलाइन पेमेंट होगा, क्या होगा, तो आपको समझ आ देते हैं। इसमें देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ परामर्श शुल्क जो होगा फीस 500 रुपये और एडवांस कॉलेज फीस जो 5000 रुपये है, दो अलग मांग ड्राफ्ट द्वारा एकत्र किया जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर आपको दो फैकल्टी दी जाती हैं, पहला तो या तो अगर नेट बैंकिंग का ऑप्शन खुलेगा उसमें तो आपको उसका जो स्लिप मिलेगा, जो भी आपने फीस सबमिट किया वो स्लिप ले जानी है। अगर ड्राफ्ट बनेगा तो वो ड्राफ्ट ले जाना है काउंसलिंग वेन्यू में, मतलब जहाँ भी आपका परामर्श केंद्र होगा, जहाँ बुलाया जाएगा आपको, वहाँ ये दोनों बनवा के ले जाने हैं। और इन ये जो को जारी किए जाएंगे इनके बारे में डिटेल पूरी आ जाएगी कि किसके नाम ड्राफ्ट बनेगा वगैरह वगैरह, आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन दे जाएगी जैसे ही कन्फर्म होगा। अभी तक ये कन्फर्म नहीं है कि ये ड्राफ्ट जो बनेगा वो किसके नाम बनेगा। वैसे तो जो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है उसके नाम बनना है, देखते हैं अब ये अगली क्या होता है। जो फाइनेंस ऑफिसर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है उसके नाम बनना है 99%, ठीक है। तो हम ये अपडेट आपको दे देंगे नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही हमें इस चीज़ की जानकारी होगी। अब बात कर लेते हैं पॉइंट 4 में हमने क्या रखा है, OTP। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा विजय, वैसे ही आपके फ़ोन पर एक OTP जनरेट होगा, मतलब आपके जो फ़ोन नंबर दिया है आपने उस पर एक SMS आएगा OTP। जैसे ही आपको OTP मिलेगा फिर आप क्या कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं कॉलेज की। आपको कॉलेज की लिस्ट की एक बुकलेट भी मिलेगी, बिल्कुल टेंशन लेने की नहीं है, कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कौन से प्राइवेट कॉलेज हैं, कौन से कहां पर हैं, ये सारी एक बुकलेट में आपको मिलेगा। नहीं तो हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे आपको काउंसलिंग से पहले, ठीक है, चॉइस फिलिंग से भी पहले, मतलब काउंसलिंग से ही पहले करा देंगे। उम्मीदवारों को पसंद भरने के लिए 2 से 3 दिन का समय मिल दिया जाएगा। देख लो ये चॉइस फिलिंग का है, जैसे ही आपको OTP आएगा उसके 2-3 दिन के अंदर आपको चॉइस फिलिंग करनी है। उम्मीदवार अपने घरों या इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी अन्य सुविधाजनक स्थानों से अपनी पसंद का कई कॉलेज भर सकते हैं, मतलब आपको ये नहीं है कि कहीं कैफे पर जाना है, आप खुद अपने मोबाइल से भर सकते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से भर सकते हैं, मतलब आप PC और मोबाइल दोनों से भर सकते हैं अपनी चॉइस फिलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी चॉइस फिलिंग के बारे में। अब बात कर लेते हैं आगे दिया हुआ है चॉइस फिलिंग के बाद अब कॉलेज अलॉट होगा तो क्या होगा, पसंद भरने के बाद उम्मीदवार को कॉलेज आवंटन की घोषणा उनकी योग्यता आरक्षण एवं पसंदीदा प्राथमिकता के आधार पर, मतलब आपके जैसे नंबर देखे जाएंगे, आपको 12 अंक जो मिलेगा जैसे आरक्षण है
दूसरा बारह अंक भी है। तीसरी चीज़, उसके नंबर की मेरिट के हिसाब से आपकी चॉइस देखी जाएगी, सबसे फर्स्ट चॉइस क्या है। तो फर्स्ट चॉइस के हिसाब से अगर आपके अंक होंगे तो पहले फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी, नहीं होंगे सेकंड चॉइस के हिसाब से होंगे तो सेकंड, और थर्ड जैसे जैसी चॉइस के हिसाब से मार्क मेरिट के हिसाब से आपकी चॉइस पूरी होगी। ठीक है, तो ये था इसकी चॉइस से। अब अगला जो स्टेप है इसमें, बैलेंस फी एंड कन्फर्मेशन, मतलब आपने जो फीस का भुगतान करेंगे, इसमें लिखा हुआ है उम्मीदवार को ऑनलाइन भुगतान ई चालान इत्यादि द्वारा बैलेंस फीस जमा करनी होगी। ठीक है, जो फीस जमा करनी है वो किसके था, ई चालान या बैलेंस। अभ्यर्थी को कन्फर्मेशन लेटर के प्रिंट आउट को प्राप्त करने के लिए अपना रोल नंबर, मतलब जो कन्फर्मेशन निकलेगा वहाँ से आपने फीस सबमिट कर दी है, उसमें आपको अपना डेट ऑफ बर्थ तथा ट्रांजेक्शन आईडी, जो आपने ट्रांजेक्शन किया था उसके बाद जो आईडी मिलेगी वो मिलेगी, उसके बाद ही आपका जो पेमेंट होगा वो कन्फर्म होगा। तो कन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी है वेबसाइट पर। ठीक है, अगला स्टेप जो है इसमें, डिमांड ड्राफ्ट विदड्रॉल ऑफ RS 500, मतलब आपको जो डिमांड ड्राफ्ट लगेगा या फिर जो 5000 रुपये वापस आएंगे वो क्या हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, उम्मीदवार जो भी आपको जो 5000 रुपये जमा होंगे वो आपको 7 दिन के भीतर जमा वापस हो जाएंगे काउंसलिंग स्थान से ही जहां काउंसलिंग हुई। कब होगा वो, जब आप चॉइस जो आपने भरी है वो आपको नहीं मिला तो आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं इस स्थिति में, क्योंकि आपको 7 दिनों के भीतर ही ड्राम ड्राफ्ट मिल जाएगा और आपको 3 दिन के अंदर आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करनी है। 2 से 3 दिन दिए जाते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, उम्मीदवार जिनके लिए कॉलेज को उनका द्वारा पसंद क्षेत्र अनुसार आवंटित नहीं किया जाता है, आपकी इच्छा के अनुसार अगर नहीं कॉलेज मिला तथा उनके द्वारा उन्हें अस्वीकार करने के 7 दिन के भीतर, मतलब आपने आप अस्वीकार कर दिया उसके 7 दिन के भीतर ही आप अपना 5000 रुपये का ड्राफ्ट वापस लेने के लिए काउंसलिंग सेंटर पर जा सकते हैं। ठीक है, तो काउंसलिंग सेंटर से आप 5000 का ड्राएंगे अगर आपको नहीं लेना है। जो फाइनल स्टेप उसका रह जाएगा, रिपोर्टिंग करना है आपको स्कूल में जाके, और स्कूल में कितने दिनों बाद जा सकते हैं, ये कई बार हमें कमेंट में पूछा गया है कि सर जो काउंसलिंग होगी उसके कितने दिन बाद हम एडमिशन ले सकते हैं, क्या उसी दिन लेना है। तो इसमें आपको बता दें कि अप्रोक्स में 5 दिन के अंदर आपको उसके जो कॉलेज जो भी आवंटित हुआ है उसमें जाकर आपको एडमिशन लेना होता है, मतलब ज्वाइन करना होगा किसके अंदर, 5 दिन के अंदर। तो ये आपके लिए 5 दिन का समय दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, बहुत बार पूछा गया है कि सर एक बार फिर से बता दीजिएगा लास्ट, मतलब क्या क्या लेके जाने हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्या क्या ले जाने हैं, हाई स्कूल का अंक पत्र, प्रमाण पत्र। देखिए, कहीं कहीं CBSE में प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, लेकिन नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो केवल अंक पत्र ले जाएं, जिनको मिलता है वो प्रमाण पत्र भी ले जाएं। ऐसे ही ग्रेजुएशन इंटर का ले जाना है अंक पत्र और प्रमाण पत्र। ग्रेजुएशन में क्या होता है, ग्रेजुएशन की आपको मार्कशीट ले जानी है, थर्ड सेम की तो बहुत जरूरी है, फर्स्ट सेकंड सेम की नहीं है तब भी चलेगा, लेकिन थर्ड की बहुत जरूरी है। थर्ड सेम की नहीं होगी तो नहीं हो पाएगा। थर्ड सेम की मार्कशीट के साथ साथ आपको डिग्री भी ले जानी है, अगर प्रोविजनल बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिए, अगर ओरिजिनल है तो वो भी ले जा सकते हैं। मीन्स ओरिजिनल अगर है तो प्रोविजनल जरूरत नहीं पड़ेगी बनवाने की, नहीं तो आप प्रोविजनल बनवा सकते हैं। आय प्रमाण पत्र भी आपको लगाना पड़ेगा, जिनको भी स्कॉलर लेनी है, स्कॉलर जिनको नहीं लेनी है उनको आय प्रमाण पत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाति प्रमाण पत्र, जिन्होंने आप आरक्षण लिया है OBC से आते हैं या SC ST या कोई आरक्षण लिया हुआ है, तो उनको ये काउंसलिंग के टाइम ले जाना पड़ेगा, नहीं तो इनकी काउंसलिंग रोक दी जाएगी, मतलब बाहर कर दिया जाएगा काउंसलिंग से। विशेष आरक्षण वाला भी है, अगर अपने विशेष आरक्षण कोई ले रखा है, जैसे कि विशेष आरक्षण में जाते हैं अपंग वाला है, अंधे वाले होते हैं, ब्लाइंड वाला होता है, ये आरक्षण है। भारांक वाला भी इसी में आ जाते हैं, जैसे आपको किसी NSSN वगैरह का है, NCC का है, तो ये अगर आपने लगाया है तो ये भी आपको ले जाना है, नहीं तो आपका जो काउंसलिंग है वो रोक दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। मूल निवास प्रमाण पत्र तो सबको ले जाना है, ध्यान रखना यहाँ पर जनरल वालों के लिए कन्फ्यूजन होता है कि हमें तो कोई प्रमाण पत्र जरूरत नहीं पड़ती, हम तो जनरल हैं, लेकिन हाँ मूल जो जाति मूल निवास है वो आपको बनवाना ही बनवाना है, ले जाना है, नहीं तो आपको काउंसलिंग से रोक दिया जाएगा। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड भी जरूरी है ले जाना, क्योंकि एडमिट कार्ड बहुत लोगों के इश्यू नहीं हो पाए थे, मतलब उन्होंने जब सबमिट कर दिए थे वहाँ पे जमा हो गए, किसी ने एक ही निकाला और वहाँ पे जमा हो गया, तो वो टेंशन ना लें, इसके लिए एक नया ऑप्शन खुलेगा, उस टाइम ही आपको पता चल जाएगा किस ऑप्शन से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, रोल नंबर वगैरह आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा उसमें जो रैंक आएगी उसको भी आपको प्रिंट आउट करके निकलवा के उसको ले जाना पड़ेगा, तो रैंक के साथ अपना स्कोर के साथ अपना नाम वगैरह जो भी है उसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह आएगा वो आपको ले जाना है। उसके बाद बोनस अंक, जो बोनस अंक आपको मिलते हैं 12 अंक के रूप में, उसके बारे में जो भी अपने सर्टिफिकेट लगाया उनको ले जाना है। ठीक है, जो बोनस अंक प्रमाण पत्र होता है। अब बात कर लेते हैं कि जो रैंक था उसके बाद जो रैंक आएगी आपकी, जैसे वहाँ में स्कोर में रैंक आएगी, वो रैंक जरूरी है ले जाना, तो वो रैंक भी ले जाएंगे आप। काउंसलिंग लेटर अलॉट होगा वो हम बता चुके हैं, काउंसलिंग लेटर जो अलॉट होता है उसको भी ले जाना है।
जो 500 और 1000 रुपए का फीस का जो चालान होगा या फीस रसीद होगी वो आपको ले जाना पड़ेगा, या फिर ड्राफ्ट होगा वो आपको ले जाना है, जिससे कि उनको कन्फर्म हो आपने फीस सबमिट की है। स्कैन वेरिफिकेशन ये हो सकता है, लेकिन ये 100% नहीं है श्योर, क्योंकि ये स्कैन तब होता है जब ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, लेकिन आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन आपको सेंटर पर जाना है तो ये स्कैन वगैरह वाला डॉक्यूमेंट्स वाला इसमें नहीं होगा। हाँ, अगला तो ज़रूर है ये कॉलेज चॉइस, ये कॉलेज चॉइस भी आपको भरनी है। ये सारे स्टॉप तो जो आपको एडमिशन तक ले जा रहे हैं, ये कॉलेज चॉइस आपको भर देनी है। कॉलेज चॉइस करने के बाद जब कॉलेज लॉयक हो जाएगा उसके बाद आपको कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आएगा, आपको आपके हिसाब से मिल गया है कॉलेज या नहीं मिला है। अगर आपको उसमें लेना नहीं चाहते तो आपको रिपोर्ट करना होगा, हमें ये नहीं लेना कॉलेज, तो आपको उसके 3-4 दिन के अंदर आपको बताना होगा काउंसलिंग वेन्यू पर जाके, ठीक है। इसके बाद एक आपने जो मोबाइल नंबर भरा था वो भी आपका नेसेसरी है, ठीक है। ये कर ली हमने बात, अब बात कर लेते हैं हमको कहाँ जाना है अपनी काउंसलिंग कराने, तो आ जाइए इस पे बात कर लेते हैं काउंसलिंग पे। ये यहाँ पे दे रखा है यूपी बीएड जेई परामर्श केंद्र, यूपी बीएड में जो परामर्श केंद्रों की अद्यतन सूची नीचे दी गई है, मतलब ये परामर्श केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर आपकी काउंसलिंग होगी। एक नहीं है, क्योंकि हर जोन के हिसाब से बटे हुए हैं। जैसे अगर आपने आगरा में पेपर दिया है तो आगरा के बच्चों के लिए जो परामर्श केंद्र बनाए गए हैं जो ये आगरा के हैं, ठीक है, तो इनको आगरा जाना है। ये अपना कंधारी कैंपस में पढ़ते हैं दोनों ही, तीन दिए हुए हैं यहाँ पर, तो तीनों ही कंधारी कैंपस में। अलीगढ़ में कुछ दिए हुए हैं डीएस कॉलेज, मतलब आपको एक फॉर्मेट चाहिए था कि किस तरीके से हमारा काउंसलिंग कहाँ पे होगा, तो वो आपने जहाँ पर दिया हो पेपर और वहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी आती है उस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, या वहाँ पर कौन से सेंटर बनाए गए हैं परामर्श वहाँ पे जाना है। जैसे हमने आगरा की बात कर ली, ऐसे ही अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में भी बनाए गए हैं डीएस कॉलेज ब्लॉक, ए ब्लॉक भी, जौनपुर में भी बनाए गए हैं इसी तरह से, ऐसे ही झांसी में भी बनाए गए हैं, कानपुर में भी बनाए गए हैं, अगर हमने कानपुर में कहीं दिया हुआ है पेपर तो, ऐसे ही लखनऊ में बनाए गए हैं, ठीक है, बलिया में बनाया गया है, फैजाबाद में है, गाजियाबाद में भी है, गोरखपुर में भी है, ठीक है, तो मेरठ में भी है, वाराणसी में है, ठीक है। तो ये थे हमारे वेन्यू जहाँ पे आपको काउंसलिंग के लिए, ये 100% श्योर इसलिए नहीं है अभी, क्योंकि ये वेन्यू बनाए गए थे 2018 में, और जो 2019 में बनाए जाएंगे वो लगभग कुछ सेम ही रहेंगे, कुछ चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, कुछ तो सेम रहेंगे कुछ चेंज हो जाएंगे, उनकी सूची जो आएगी तब आपको बताई जाएगी। ये बस एक सैंपल था आपको बताने के लिए कि काउंसलिंग के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, तो आपको एक माइंड में आइडिया बन गया होगा कि काउंसलिंग कहाँ हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे आज की कुछ इन्फॉर्मेशन बीएड के बारे में, मैं लेटेस्ट अपडेट बीएड के बारे में इस चैनल पर प्रोवाइड कराता रहूँगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अपडेट रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अब अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।